जब भारत का विभाजन भी हुआ और उसको स्वतंत्रता भी मिली। पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए वो एक सेंसिटिविटी है। आज हम 22 अक्टूबर को यहां एकत्रित हैं, 21 अक्टूबर गई है, 21 अक्टूबर हर भारतीय के लिए, वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, भूगोल का है, भाषा का और दल का है, बड़ी गौरवमय तिथि है। पर हम विस्मरण में हैं इसलिए उसको सेलिब्रेट नहीं करते। 21 अक्टूबर 1947, हजारों हजार आजाद हिंद के सैनिक सिंगापुर मैदान में एकत्रित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चीफ ऑफ द आर्मी इस रूप में एड्रेस करने वाले थे। वहां पर दुनिया के 13 देशों के प्रतिनिधि आए हुए, चीन का भी था, जर्मनी, जापान, इटली के भी, और भी देशों के थे। एड्रेस से पूर्व वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार की उद्घोषणा की गई और नेताजी उस प्रथम स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सरकार के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट घोषित हुए और 13 देशों ने उनको मान्यता। उस समय भारत विभाजित नहीं था, करेंसी भी थी, स्टैंप भी थी, दुनिया के देशों की मान्यता भी मिल गई थी, बैंक भी था, भारत अखंड था। नेताजी ने अपने एड्रेस के अंदर 21 अक्टूबर को यह कहा कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट हूं जिसके पास अपने देश की एक इंच भी जमीन नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी की दुर्घटना के बाद जापान ने ब्रिटेन पर हमला किया, पर वो ब्रिटेन हमला करने के लिए नहीं गया था, उसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत पर हमला किया। तो हम उस नारे को बदलते हैं और उन्होंने नारा दिया था, अब दिल्ली दूर नहीं। इसलिए इतिहासकारों में एक बड़ी संख्या है जो कहती है 21 अक्टूबर और 30 दिसंबर अखंड स्वतंत्र भारत का वर्षगांठ। 15 अगस्त 1947 विभाजित भारत की स्वतंत्रता दिवस है। अब ये डिबेट है, दुनिया में चली है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहा करता हूं या 21 अक्टूबर को या 30 दिसंबर को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास का अद्भुत, पवित्र, रोशन, सुगंधित, स्वर्णिम परिष्ठ है। 15 अगस्त 1947 आया, देश का विभाजन भी हुआ, आजादी भी मिली। प्रश्न खड़ा होता है, देश को विभाजन किसने दिया और आजादी किसने दिलवाई? 1857 की जन क्रांति में फिरंगी मारो, देश बचाओ, आजादी लाओ, इसका जय घोष हुआ। वहां कहीं बहादुर शाह जफर होंगे, कहीं अशफाक होंगे, जिन अशफाक उल्ला की पुण्यतिथि अभी 22 अक्टूबर आज ही है, कहीं रानी झांसी होगी, कहीं बेगम हजरत महल होगा, कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु होंगे, उमर साहब भी है। ऐसे लाखों लोगों ने बलिदान दिए, इनसे देश को स्वतंत्रता मिली। जिन्होंने फांसी के फंदों को अपने गले का हार माना, उनसे स्वतंत्रता मिली। दुर्भाग्य से कांग्रेस आजादी के आंदोलन को लेकर शुरू हुई थी, पर अल्टीमेटली उसने उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए जो आजादी के नाम पर भारत के विभाजन का डॉक्यूमेंट था, जिसमें भारत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में बांटा गया। सचमुच में सच क्या है,
मैं भी जिंदगी के पहले 40 साल यही बोलता रहा, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई। पर अब से 30-35 साल पहले और 40 साल बाद जब मुझे ये सच पता लगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कांग्रेस ने देश को विभाजन दिलवाया, क्रांतिकारी और बलिदानियों ने अपने बलिदान से देश को स्वतंत्रता दिलवाई। आज हम जब अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एकत्रित हुए, तो एक संकल्प करें कि अब गलती से हम जो ईमानदारी से झूठ बोलते रहे, अब आगे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो यही बोलेंगे, बलिदानों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कांग्रेस के नेताओं के हस्ताक्षर से भारत को विभाजन प्राप्त हुआ। अभी सत्य को आप बोलेंगे और आगे से असत्य नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अज्ञान वाला नहीं बोलेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो ये कमिट करते हैं हम इस सत्य का उच्चारण करेंगे और जन जागरण करेंगे, वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त 1947 को बापू देश की स्वतंत्रता का दिवस मनाने के लिए लाल किला नहीं आए, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर भी नहीं आए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नहीं आए, आचार्य कृपलानी भी नहीं आए। जितने शहीद हुए, आप बिहार की सूची बना लीजिए, किसी का भी एक का भी परिवार नहीं वहां आया, देश का भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो सपना लिया था अखंड भारत का, विभाजित भारत के लिए फांसी नहीं चढ़े थे। परंतु जो भी घटा, हमने अब 72 साल की यात्रा स्वतंत्र भारत के रूप में प्रारंभ की। इस भारत को समझने में गलती नहीं करना चाहिए। दुनिया के अंदर समय समय देशों में संकट खड़े हुए। जब इज़राइल के ऊपर 1500 वर्ष पूर्व तुर्की ने आक्रमण किया और इज़राइल को पराजित किया और उसका साम्राज्य प्रारंभ हुआ, यहूदी हजारों लाखों में बेघर बार हुए, दुनिया के सब देशों में गए, सब देशों में वो बंधक और बंधुआ बनकर रहे। भारत में हजारों से लाखों में यहूदी आए। जब 1948 में इज़राइल स्वतंत्र हुआ, अलग अलग देशों के यहूदी वापिस लौटे। आप उनके संस्मरणों को खोजकर पढ़िए, गूगल पर सर्च कर लेना उन पुस्तकों को। जो भारत में आए थे उन्होंने कहा था, भारत हमें कभी पराया लगा ही नहीं, हमें जो सम्मान मिला, सुविधाएं मिली और स्वीकारिता मिली वो अद्वितीय थी, इसलिए भारत में बसे इजराइलियों ने कंक्लूड किया है, इजराइल इज फादरलैंड फॉर अस, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इंडिया इज मदरलैंड फॉर अस। वो लाखों यहूदी गए, पर आज भी इस भारत में इस समय में भी 80,000 से यहूदी अधिक यहूदी हैदराबाद जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे तो मिलते हैं। उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, यहाँ की सरकार को भी वहां को, उन्हें कहा अब हम इस मदरलैंड में ही भारतीय बनकर जीना चाहते हैं। दुनिया में सब जगह यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इस भारत को समझना चाहिए। जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम ने अपने पैर पसारे, उस समय लाखों में पारसी जो अग्नि उपासक थे वो उजड़े, भारत में आकर बसे। आज भी जब भारत स्वतंत्र हुआ और पारसियों को प्रश्न खड़ा हुआ, आप क्या बनकर रहना चाहते हैं, उन्हें कहा हम अल्पसंख्यक बनकर नहीं जीना चाहते, हम विदेशी भी नहीं बनकर जीना चाहते,
हमें भारतीय मान लिया जाए क्योंकि अब वहां रहने के लिए हमारा बचा ही कुछ नहीं। आज उनके यहां पर पूजा स्थल भी है, बाकी सब है, यहूदियों के भी हैं, पारसियों के भी है। उसी समय के अंदर इस्लाम के धार्मिक प्रवाह के अंदर एक विरोध जन्मा, ईरान शिया मत की तरफ चला, अरब सुन्नी मत पर, इनका कॉन्फ्लिक्ट उभरा। और इसलिए यजीद के हमले के बाद जब हुसैन की हत्या हो गई कर्बला के मैदान में, उस समय ईरानियों पर जुल्म हुआ, ईरानी भी भागे। आज दिल्ली में जाइए, रायपुर में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आपके बिहार के अंदर भी जाइए, जगह जगह किशनगंज में जाइए, ईरानियों के मोहल्ले सब मुस्लिम हैं। दुनिया में उनको किसी ने शेल्टर नहीं दिए, हमने शेल्टर दिया। आज वो भारत के अंदर बिना किसी परेशानी के साथ जिंदा हैं। युगांडा इद्दी अमीन, जब वो कठोर तानाशाह के रूप में उभरा और उसने वहां पर सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से बसे हुए भारतीयों पर भी अत्याचार किया, अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ, वहां पर जो भारतीय जाकर बसे थे वो वाया ब्रिटेन गए थे, इसलिए उनके पास मौलिक ब्रिटेन की नागरिकता थी, कुछ ब्रिटेन चले गए। और उस सारे अत्याचार के अंदर उन हजारों हजार लाखों युगांडा के नागरिकों के लिए भारत शरण स्थली, भारत ने ही शरण दी। आप 70 के दशक में जाकर देखिए, भूटान देश के अंदर भूटानी बुद्धिस्ट और भूटानी सनातनी नेपाली भाषियों में वर्ग संघर्ष हुआ, 1 लाख से अधिक नेपाली विस्थापित हुए, नेपाल की तरफ बढ़े, नेपाल सरकार को समझ में नहीं आया कहां से रखेंगे और कहां खिलाएंगे। भारत ने अपने द्वार खोले, दोस्तों बिहार का सर्वे कर लेना, आज भी उसमें से 10-15 हजार बिहार में ही बसते हैं। वो दार्जिलिंग भी गए, बंगाल में भी गए, उत्तर प्रदेश में भी गए, भारत ने उनको शरण दी। आज नेपाल और भारत आर्मी बॉर्डर नहीं है, पुलिस पब्लिक बॉर्डर है, रोजगार के नाम पर भी और वैसे भी 60 लाख से अधिक नेपाल के नेपाली भारत में शरणागत भी हैं और भारत के नागरिक बनकर भी। विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है साहब जितने जिसमें कहीं पर दर्द उभरा और उन्होंने उन नागरिकों को शरण दी है, अपनाया है, भारत ने ही अपनाया है। फिर जब कोई कह दे कि भारत में दम घुटता है, वो या ज्ञानी है या षड्यंत्रकारी है या द्वेषी है, एबनॉर्मल आदमी और नेता हो सकता है, नॉर्मल नहीं हो सकता है। मुझे पिछले वर्ष का ईसाइयों का दिल्ली के संग्रीला होटल के अंदर कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था, हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर का था। 6 देशों के साउथ अफ्रीका होगा, कनाडा होगा, इंग्लैंड होगा, यूएसए होगा, जर्मन होगा, इनके भी राजदूत या डिप्लोमेट्स मंच पर साथ थे। सबने 2-2 मिनट बोलकर भाषण खत्म किया, मुझे अपना अपना टाइम सरेंडर किया।